हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग। और अभी मैं आई हूँ नहा के, तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन केयर वगैरह कर रही हूँ। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँगी। कम से कम एक महीना हो गया है मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। आप लोग सोचते होंगे हर वीडियो में तो यही बोल देती हो कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता, करती क्या हो टाइम का, सोचते होंगे ना। सो, ऐसा मत सोचना आप लोग, क्योंकि मैं देखो घर भी संभालती हूँ और बच्चे भी संभालती हूँ, दो दो मेरे बच्चे हैं। एंड हाँ, इसके साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ, मैं ड्यूटी जाती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है ये सब करने का, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का, एडिटिंग करने का, अपलोड करने का, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहाँ से करूँ। लेकिन मैं सोचती रहती हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा ये भी करना चाहिए, हो सकता है आगे चल के सक्सेस मिल जाए मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ कभी कभी। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ और डाल देती हूँ। तो ये देखिए हमारे महाराज जी, ये भी नहा चुके हैं और अब मैं डाल के आती हूँ जल्दी से कपड़े मैंने धुल लिए थे। और कपड़े धुलने, अब मैं क्या बताऊँ, धुल के तो मुझे रख लेती हूँ लेकिन सुखाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। सो गाइस, हम चल रहे हैं छत पे और कपड़े डालना है, क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ, मैं कपड़े अपने नहीं डाली थी। और वैसे जो पहले धो के रखी थे वो सब मैंने डाल दिए थे, ये बस जो हैं क्या बोलते हैं अभी नहाए हैं ना, तो नहाने के सारे कपड़े हैं वही सब डालना है, बच्चों के हैं और मेरे हैं। तो मैं चलिए डाल के आती हूँ। और मैं तो मैं छत पे आ गई हूँ और डाल देती हूँ कपड़े। इतनी तेज़ धूप है क्या बताऊँ, बहुत तेज़। और मैं आप लोगों को छत पे इसलिए ले कभी नहीं आती हूँ कि मैं यहाँ कभी हूँ आप लोगों को दिखाऊँ छत पे आकर, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ना इस पर मुझे बहुत डर लगता है। इस तरीके की सीढ़ी पर मैं कभी नहीं गई हूँ, कभी नहीं चढ़ी हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देखिए, देखिए इस तरीके से जो सीढ़ी है ना इस पे चढ़ के आना होता है छत पे, तो इसलिए मैं बच्चे तो कभी आती नहीं हमारे, उनको तो मैं कभी लेके नहीं आती हूँ और मुझे बहुत डर लगता है। और ये देखिए छत पे इतनी तेज़ धूप है, बाप रे बहुत तेज़ धूप हैगी। सो, यहाँ पे मैंने ये सारे कपड़े फैला दिए और आप लोगों को थोड़ी सी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं दोनों, और ये जो मेरे बाजू में रहती है उनकी भी लड़की है, वो भी खेल रही है। तो अब बच्चे हैं भैया, बच्चे रहेंगे तो वहाँ पे तो मस्ती होगी ना, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आती है, करते रहते हैं। और यहाँ पर कपड़े अपने सुखा के मैंने वहीं अपना जो है ना हेयर ड्राई भी कर लिए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे बाल वाल धोने का, संडे के दिन ही टाइम रहता है, तो बस ढंग से नहाना भी नहीं होता है यार ड्यूटी की वजह से। बहुत पता है बहुत बिजी लाइफ हो गई है मेरी, मुझे ऐसे लगता है बहुत बिजी हो गई हूँ मैं तो। और हाँ, मुझे ये साड़ी छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, मैं इतनी पुरानी हो गई, लेकिन हर कभी इसको पहन लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है साड़ी। और देखो धूप में मेरा चेहरा कैसे लग रहा है। देखो कितनी बड़ी पिंपल्स हो रही है, पता है यहाँ पे आके मुझे पानी भी सूट नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो, कपड़े हमने डाल दिए हैं और बाल भी थोड़े से ड्राई कर लिए हैं, और अभी तो गर्मी का टाइम है तो ठंडे ठंडे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जिस दिन सर धो के मतलब सर पे ऐसे पानी डाल के नहाते हैं ना बहुत अच्छा लगता है डेली, क्योंकि क्या रहता है हम जैसे ड्यूटी जाते हैं तो हम डेली थोड़ी ना सर पे पानी डाल के नहाएंगे, तो नहीं नहा पाते हैं, तो
जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन करो, बहुत अच्छा लगता है और एकदम से हल्का सा जी हो जाता है, ऐसे लगता है ना सर बिल्कुल भारी भारी नहीं लगता है। और सुबह मैंने हेयर ऑयलिंग की थी तो मैंने कहा अब मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। सो हेयर वॉश तो हमने कर लिया है और अब मैं दाल का कुकर लगा के आई थी तो सीटी आ गई है। अब मैं जाती हूँ दाल में छौंक लगाऊंगी, पूजा करूंगी सबसे पहले, फिर दाल में छौंक लगाऊंगी और इसके बाद में, क्योंकि रोटी तो रखी है हमारी, सब वही खाएंगे रोटी। ये चले गए हैं ड्यूटी, आज संडे है लेकिन इनको आज बुलाया था ड्यूटी पर तो ये चले गए। सो चलिए अभी हम यहीं बैठे हैं, अभी हम गए नहीं है नीचे, मैं इधर ही बैठ गई कपड़े डाल के, ना धूप लगी बहुत तेज तो मैं इधर ही बैठ गई। तो चलिए अब मैं चलती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। तो जो जो सबसे ऊपर का छत है ना उस पर उसी तरीके से सीढ़ी लगी है, और जो बीच वाले दो छत हैं मतलब जिसपे जहाँ पे हम लोग हम रहते हैं और इसके ऊपर वाला उस पर वैसी सीढ़ी नहीं है, इस पर वैसी नॉर्मल सीढ़ी। हाँ क्यों, तो मैं गैस चालू करके छोड़ गई थी ना इसलिए पलक बोल रही है, क्यों मम्मी गैस बंद नहीं करी थी, और ये आ गई देखो। चलो तो बीच वाले छत पे जाने के लिए तो इस तरीके का जीना है और नीचे जाने के लिए भी ऐसे, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला छत है ना उस पे जाने के लिए मतलब वैसा वाला छत है, ओ सॉरी वैसा वाला जीना है तो उस पे बहुत डर लगता है ये वाले तो। और ये देखो जूता चप्पल, सबके जूता चप्पल इसी तरीके से पड़े रहते हैं यहाँ पे, लेकिन दरवाजे के सामने नहीं रखते हैं। देखो यहाँ पर मैं रहती हूँ, तो ये देखो ये इतनी दाल गिर गई है यहाँ पर कुकर में से निकल के, ये देखो ये बन गई है दाल हमारी, और बस रोटियां रखी हैं तो वो ही खा लेंगे। हाँ बाबू दाल रोटी दे दो, दाल रोटी दे दूँ, चावल नहीं बनाए, दाल रोटी खा लोगी ना, दाल चावल नहीं बनाए हैं, दाल रोटी खा लोगे, खा लोगे दाल रोटी, बोलो, मोबाइल नहीं देखना, पलक बुलवा रही है, नहीं सो फैमिली खाना ना हमने खा लिया है, दाल रोटी बस खाई और कुछ भी नहीं। और अब मैं होने जा रही हूँ तैयार, क्योंकि अब इनकी छुट्टी होने वाली है, ये आने वाले हैं, इन्होंने बोला है कि, और टाइम क्या हो रहा है, 4:30 बजने वाले हैं। संडे को इतना लेट खाना खाती हूँ मैं क्योंकि दिन भर इतना काम रहता है ना, इतने सारे कपड़े धोले, देखो इतने सारे कपड़े रखे हैं जो कि सूख गए हैं, और मैं उठा के लेके आई थी और पहले उठा लिए थे मैंने नहाने से पहले। और अभी अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि इनका फ़ोन आया है, इन्होंने बोला है कि कहीं चलना है अभी थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही मतलब घूमने उमने के लिए, या फिर मुझे भी कुछ सामान चाहिए तो वहीं जाना है, और सब्जी वब्जी भी लानी है, कुछ भी सब्जी वगैरह नहीं, और यहाँ पे इतनी लाइट कम है ना क्या बताऊँ, अजीब सा फेस दिखता है मेरा एकदम से काला काला। चलिए अभी मैं इस वीडियो का करती हूँ एंड और मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अभी इसके बाद से फिर से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी हम लोग मार्केट जाएंगे, तो फिर वीडियो बनाऊँगी मैं थोड़ा सा। चलिए अभी करते हैं वीडियो का एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।